Hi, I am Prabhakar Kumar. I graduate from IIT Kharagpur from the Department of Mathematics. Presently, I am the faculty of Gray Matter Darbhanga. तो आज हम क्लास 12वीं का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। जरा याद करो, बचपन में एक दो काम हम क्या करते थे, कौन कौन सा काम। बचपन में एक दो काम नहीं, सिंपल से एक खेल खेला करते थे। कैसा खेल, कि पेन ले लेते थे और कागज का छोटा 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 बारीक टुकड़ा कर दिया करते थे और कोशिश करते थे कि पेन को पहले रब कर दें, रब करने के बाद उस पेन से उस छोटे टुकड़े को लिफ्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। और दूसरा काम, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या क्या करते थे कि थर्मोकोल का छोटा छोटा टुकड़ा करके उसे जब हाथ से टच करते थे तो क्या देखते थे कि थर्मोकोल का जो बारीक टुकड़ा था वो हमारे हाथ में चिपक जाता था। तो ये दोनों चीज, जो भी खेल हम लोग बचपन में खेला करते थे, वो ड्यूटी चार्ज, जो भी चीज हो रहा था वो ड्यूटी चार्ज हो रहा था। तो पार्टिकल जो हमारे यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करते हैं उसकी दो प्रॉपर्टी, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी कि जो भी पार्टिकल हमारे इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उसके पास अपना खुद का कुछ मास होगा, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मास है किसी भी पार्टिकल के पास तो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल का इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो पार्टिकल अपने आप में मास और चार्ज कंटेन करता है, ठीक है ना। चार्ज की क्या वैल्यू होगी, मास की क्या वैल्यू होगी, वो बात की बात है, बट ये दोनों चीज पहले से श्योर है कि वो पार्टिकल मास और चार्ज दोनों चीज कंटेन करता होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ जो चार्ज है वो बेसिकली तीन चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मान लो कि कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है ना, कोई चार्ज है हमारे पास, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी, ठीक है ना। और तीसरा है कि वो पार्टिक चार्ज एक्सीलरेट हो रहा हो, ठीक है ना, वो चार्ज क्या हो रहा हो, एक्सीलरेट हो रहा हो, ठीक है। तो जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा, ठीक है ना, उसका जो वेलोसिटी जीरो हो, यानी कि चार्ज जब रेस्ट पे हो, तो जब हम चार्ज रेस्ट पे होता है और उसका जो बिहेवियर का जो हम स्टडी करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। जब चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो सेम वेलोसिटी से, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि हम जब इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। और जब चार्ज एक्सीलरेटेड हो, ठीक है ना, जब इसका बिहेवियर हम स्टडी करेंगे तो यही चीज कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में हो तब भी वो कुछ फील्ड इमिट करता है और उस फील्ड की जो भी हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। जब चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो विद सम वेलोसिटी, तो उस समय जब हम उस चीज की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। और जब चार्ज एक्सीलरेटेड केस में हो, उस समय जब हम चार्ज के बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। कभी देखे हो कि मतलब मैंने रिमोट का बटन यहाँ से दबाया और टीवी ऑन हो जाता है, ठीक है ना। या फिर कोई एक अलग केस, मोबाइल का सिग्नल काम करता है, मोबाइल के थ्रू हम बात करते हैं, तो ये सब आखिर हो कैसे रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी चीजें इसमें होती है वो सारे हमारे इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सब बैकग्राउंड में चीजें हो रही है, मुझे बस मान के चलना है कि मैं ये काम यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही इमेजिनेशन पे बेस्ड है, क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल या जो वेव है उसको तो हम अपने आंख से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जब हम अब
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करेंगे, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो तो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब पढ़ेंगे, जब चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो विद सम वेलोसिटी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब पढ़ेंगे, जब चार्ज एक्सेलरेटेड केस में हो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइटल है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, कि सबसे पहला चीज है कि किसी भी मैटर में अगर मास एग्जिस्ट करता है तो उसके पास चार्ज भी एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि चार्ज जो है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हमारे यूनिवर्स में टू टाइप्स के चार्ज अवेलेबल है, कौन कौन सा, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये जो चार्ज की जो ये पॉजिटिव निगेटिव, एक्चुअली में हम ऐसे नहीं देख रहे हैं कि दो चार्ज अवेलेबल है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। मतलब क्या है कि जब भी चार्ज का इन्वेंशन हो रहा होगा या जब भी इस चीज की खोज हुई होगी तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि दो टाइप के चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप के जब चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो उसने अपने कन्वेंशन के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया और एक को निगेटिव बोल दिया, ठीक है ना। और जिस साइंटिस्ट ने इस दोनों को ये पॉजिटिव निगेटिव का साइन कंसीडर किया उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज का क्या हो गया कि उसके वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, न्यूट्रल चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है किसी भी चार्ज का कि अगर दो लाइक चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज या निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर निगेटिव निगेटिव चार्ज होगा तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, यानी कि अगर लाइक चार्जेज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, रिपेल करेंगे, यानी कि दोनों में दुश्मनी होगी, ठीक है। अगर अनलाइक चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि दोनों में प्यार होगा, ठीक है। तो ये चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, क्या, कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है ना। अब थर्ड में आते हैं कि चार्ज का, किसी भी चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। तो चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलॉम होता है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जो एसआई यूनिट है चार्ज का वो क्या होगा, कूलम, ठीक है, और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था और जिसने इस चार्ज का एसआई यूनिट दिया था, और इसीलिए इस चार्ज के एसआई यूनिट को मैंने क्या किया है, कैपिटल सी से डिनोट किया है, और कूलम जो था वो उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस प्रॉपर्टी की खोज की थी। और कभी भी अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई भी यूनिट डिफाइन किया जाता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो कूलम जो है उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब है क्या कि ऐसा यूनिट जो है वो किसी भी चार्ज का वो क्या है, कूलम, ठीक है ना। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इसका डायमेंशंस क्या है, क्या है चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन, ठीक है। तो एक चीज बताइए, टेंथ क्लास तक हम एक चीज पढ़े होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है आई इक्वल टू वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में जो चार्ज ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट है,
ठीक है, तो यहां से जो q को हम चार्ज डिनोट किया है, q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इंटू टी लिख सकते हैं, i इंटू टी, ठीक है ना। और i का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, ठीक है, और t का क्या है एसआई मात्रक, सेकंड, ठीक है, या सॉरी टाइम, ये टाइम से। तो q का हम डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस टी, ठीक है ना, क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस टी में, ठीक है ना। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस टी जो चार्ज का डायमेंशन, वो ए क्रॉस टी कहां से आ रहा है ये पता चल रहा है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है, वो ये चार प्रॉपर्टीज चार्ज के हो गए। नेक्स्ट क्या है कि चार्ज का जो सबसे फंडामेंटल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज या सबसे चार्ज का छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फाइव में लिखिए कि फंडामेंटल चार्ज क्या है, क्या है फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज जो भी है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो फंडामेंटल चार्ज है या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो फंडामेंटल चार्ज है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल चार्ज है, ठीक है। अब इससे भी छोटा चार्ज होता है, इससे भी फंडामेंटल चार्ज से भी छोटा यूनिट होता है। मतलब हम क्या बोले कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट तो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, बट इससे भी छोटा यूनिट यहाँ एग्जिस्ट करता है, बट उसको अभी जनरल हम बिहेवियर के यूज में नहीं लेके आ पाए हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्वार्क, ठीक है ना, क्वार्ट, ठीक है ना। उसको कैसे डिनोट करते हैं, प्लस माइनस ई बाई थ्री, प्लस माइनस टू ई बाई थ्री, इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट, बट ये हमारे काम की चीज नहीं है, बस इसको ऐसे ही जनरल फॉर्म में याद रख सकते हैं कि जो भी चार्ज का जो फंडामेंटल चार्ज है वो वन इलेक्ट्रॉन है, या यूनिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ये है, बट इससे भी स्मॉलेस्ट चीज है, बट वो जनरल यूज में अभी नहीं आई है या हमारे काम की चीज ये नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताइए, जब यहाँ तक बात हो ही गई है तो फंडामेंटल जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फंडामेंटल जो चार्ज है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक चीज बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना, ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और इसको क्या करते हैं, इसको हम प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लेते हैं, क्यों, क्योंकि चार्ज जो होता है वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है ना, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो जितना मैग्नीट्यूड होता है उसी के बराबर में होगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही के बराबर होगा, बट प्लस माइनस साइन हम लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव ये मुझे नहीं पता है। तो फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सपोज डैट कि हमारे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, हमारे पास दो बॉडी अवेलेबल है, ठीक है ना, दो बॉडी अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं एक चीज बोलूं कि इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इनिशियली ये दोनों कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना। अब हमारा क्या कहना है कि मैं इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के मैं इसे दे दे रहा हूं,
इस बॉडी को दे रहा हूँ, बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल रहा हूँ और बॉडी बी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ए से बाहर निकाल के किसको दे रहा हूँ मैं, बी को दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो इसमें कितना का कितना चार्ज कम हो रहा है, कितना चार्ज कम हो रहा है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है ना, तो माइनस चीज बाहर निकल रहा है, माइनस चार्ज बाहर निकल रहा है, तो इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो बॉडी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा तो बॉडी मेरा क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ इस बॉडी से तो इस बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से ये जो जितना यूनिट का निगेटिव चार्ज बाहर निकला है, ठीक उतना ही यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसे दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसके पास क्या हो गया, पहले से ये बॉडी न्यूट्रल था बट एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो इस बॉडी के पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, एक्सेस में आ गया, ज्यादा अमाउंट में आ गया। तो इसके पास तो वन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई बट इसके पास वन इलेक्ट्रॉन क्या, एक्सेस हो गया। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो पॉइंट क्या है याद रखने वाला, कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बॉडी से रिमूव होगा तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी किसी बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसे यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे, और इसके पास क्या हो गया, वन इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट मेरा क्या है, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेस में आ जाए, यानी कि क्या बोलेंगे इस चीज को, कि किसी भी बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंडीशन में आ जाए तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है मेरा, कि सपोज डैट हमारे पास दो आइसोलेटेड बॉडी है, क्या है, दो आइसोलेटेड बॉडी है, वी हैव टू आइसोलेटेड बॉडी। सपोज एक हमारे पास क्या है, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम ए है और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास बी है। ये कैसा है, ए और बी। ठीक है ना, सपोज डैट मैंने क्या बोल दिया, कि एक ए है, बी एक सी मटेरियल है, यहाँ पे भी एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है ना, और इसको मैंने फर्स्ट सिस्टम बोल दिया और इसको मैंने सेकेंड सिस्टम बोल दिया। ठीक है, मैंने दो सिस्टम बोल दिए। सपोज अब मैं क्या कह रहा हूं, कि सिस्टम ए पे +2 कूलम का चार्ज है। ठीक है ना, सिस्टम बी पे +5 कूलम का चार्ज है, और सिस्टम सी पे क्या है, +6 कूलम का चार्ज है। ठीक है ना, और मैं क्या बोल रहा हूं, कि फोर सेकेंड सिस्टम ए पे +3 कूलम का चार्ज है, सिस्टम बी पे -2 कूलम का चार्ज है, तो सिस्टम सी पे कितने कूलम का चार्ज होगा। ठीक है ना, मेरा क्या क्वेश्चन है, कि दो आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसे सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है ना, और इस सिस्टम के अंदर ये चीज हो रहा है, कि सिस्टम ए में क्या हो रहा है, इतना चीज अवेलेबल है, ए पे 2 कूलम, बी पे 5 कूलम और सी पे 6 कूलम का चार्ज है, और आइसोलेटेड सिस्टम टू में क्या है, ए पे 3 कूलम का चार्ज, बी पे -2 कूलम का, तो सी पे कितना का चार्ज होगा। ठीक है ना, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो एक दो चीज और मैंने इनिशियली बोल दिया, कि ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है, या रहने दीजिए अभी न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा है, सिंपल सा दो आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है ना, तो एक चीज मैं क्या करूं, कि अगर मैं सी पे कूलम का चार्ज पूछ रहा हूं कि कितना चार्ज होगा, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं, कि जो आइसोलेटेड सिस्टम वन का जो टोटल चार्ज है, ठीक है, उसको मैं आइसोलेटेड सिस्टम टू के चार्ज के अगर इक्वल कर दूं, तो ए पे कितना है 3 कूलम, बी पे कितना है -2 कूलम, और सी पे हमें अभी पता नहीं है, निकालना है। ठीक है, मैंने दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया।
ठीक है, जब दोनों को मैं इक्विवेलेंट का अर्थ दूंगा तो ये कितना आ गया 6, 5, 11, 2, 13 कूलम इक्वल टू ये क्या आ गया 1 कूलम, ठीक है, प्लस सी, तो सी पे कितना का चार्ज आ गया 12 कूलम का, और कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो सी पे कितना चार्ज आ गया 12 कूलम का और कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो ये फिगर देख के मैंने एक चीज तो कैलकुलेट कर दिया कि दोनों के चार्ज को मैं इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज मैं कर सकता हूं तो इतना चीज तो मुझे पता ही है कि ये किस कंडीशन में इक्वेट हो सकता है, कि जब चार्ज मेरा कैसा हो कंजर्व्ड हो, कैसा हो चार्ज कंजर्व्ड हो। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस एग्जांपल से बेसिकली हम क्या करना चाहते थे, ये समझना चाहते थे कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह था कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अब क्या है कि शुरू में मैंने एक चीज बताया था कि किसी भी मटेरियल में दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, क्या चीज, एक तो उसके पास मास होगा और दूसरा क्या होगा चार्ज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसी दो प्रॉपर्टी के साथ कोई भी मटेरियल इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि चार्ज और मास में जरूर कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, या रिलेशन ना भी हो तो चार्ज और जो मास होगा वो हमेशा किसी ना किसी चीज में इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि Q by M या M by Q का रेशियो का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्या हो जाता है Q by M और M by Q के रेशियो का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब एक काम, एक चीज बताइए कि चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज, एक मेरे पास एक डाउट है कि चार्ज कभी भी बिना मास का एग्जिस्ट कर सकता है। सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, क्या है कोई हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन है, कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg, ठीक है ना। और एक एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, एक इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है, ठीक है ना। तो जो मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या है, बहुत कम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफी कम है रिस्पेक्टिवली प्रोटॉन के मास से, ठीक है। बट मास क्या जो है वो वेलोसिटी के साथ वैरी करता है, जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम मास इनिशियली, जब मास रेस्ट में होता है और जो मास ड्यूरिंग द वेलोसिटी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। आगे चल के जब हम पढ़ेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम देखेंगे कि मास के साथ जो हमारा जो सॉरी स्पीड के साथ जो हमारा, तो कहने का क्या मतलब है कि चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी चार्ज उसी के पास होगा जिसके पास मास होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि मास जो है वो वेलोसिटी के साथ वैरी करता है, बट चार्ज वेलोसिटी के साथ वैरी नहीं करता है। मास वेलोसिटी के साथ वैरी कैसे करता है, जस्ट एक देख लेते हैं कि सपोज दैट कोई एक पार्टिकल है, कोई चार्ज है क्यू, तो क्या अभी हमने देखा कि इस क्यू के पास क्या क्या चीज होगा, कोई एक पार्टिकल है, सपोज दैट ये एक पार्टिकल है ए, तो इसके पास मास होगा और चार्ज भी होगा, इसके पास क्या होगा, मास भी होगा और चार्ज भी होगा, यानी कि चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सेकेंड चीज क्या है कि मास जो है वो वेलोसिटी के साथ वैरी करता है। सपोज कोई पार्टिकल ए है, इसका इनिशियल मास एम नॉट है, एम नॉट क्या है, इनिशियल मास है, क्या है, इनिशियल मास, ठीक है। और सपोज दैट इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास भी है, क्या है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास भी है, ठीक है। तो जो जब
जो मास आएगा किस केस में, जब पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी भी, तो वो जो मास आता है वो आता है एम नॉट अपॉन रूट अंडर, एम नॉट अपॉन रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। और जहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मास भी उस वेलोसिटी के साथ साथ वैरी करेगा, ठीक है ना। और उस मास का वो वैरी किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट जब हम मैकेनिक्स में मैकेनिक्स पढ़ते थे तो क्या देखते थे कि मास जब जो रहता है हमेशा एक ही टाइप का मास रहता है, वैरी नहीं कर रहा है, ना के बराबर वैरी करता है। क्यों क्यों नहीं वैरी करता है, क्योंकि जब हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो जो मेरा भी आता है, वेलोसिटी आता है, वो लाइट के स्पीड से काफी कम होता है, ठीक है ना, लाइट के स्पीड से काफी कम होता है। तो जब वेलोसिटी लाइट के स्पीड से काफी कम है तो इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये टेंस टू क्या है, जीरो है। तो तो एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट के ही बराबर होता है। किस केस में, मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं कि जब कैसा हो कि भी वेरी वेरी लेस देन सी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैकेनिक्स में हमें ये चीज अब तक नहीं दिखा कि जो मेरा मास है वो स्पीड के साथ वेरी कर रहा हो, वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा हो। बट जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे आगे, तो वहां पे क्या देखेंगे कि जो मेरा मास है वो स्पीड के साथ वेरी करता है, ठीक है, बट जो चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है ना। बट जो चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, तो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, चार्ज डज नॉट वेरी, चार्ज डज नॉट वेरी, या चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है ना, स्पीड से इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज हमारे पास एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, कोई बॉडी है हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है ना, हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो क्या बोलूंगा, टू ही बाहर निकाला, या तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेसिकली कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, चार निकालो, पांच निकालो, दस निकालो, बीस निकालो, पचास निकालो, ठीक है ना, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं, यानी एन टाइम्स हम बाहर निकाल सकते हैं, एन टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट हम कितना निकाल सकते हैं बाहर, एन टाइम्स ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को बोला जाता है, या फिर हम कैसे निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, एक पैकेट के फॉर्म में निकालेंगे ना, कि पहले एक इलेक्ट्रॉन का बंडल निकाला, एक बंडल निकाला जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, या कोई ऐसा बंडल निकाला जिसमें पांच इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, कोई ऐसा बंडल निकाला जिसमें दस इलेक्ट्रॉन हो, या कोई ऐसा बंडल निकाला जिसमें बीस इलेक्ट्रॉन हो, तो कोई हम एक ऐसा बंडल निकाल रहे हैं जिसमें एन इलेक्ट्रॉन हो। इसी चीज को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कितना बंडल निकाल रहे हैं, एनी, तो क्यू इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनी, ठीक है ना, प्लस माइनस एन ई, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक चार्ज की ये भी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है ना, एन फॉर्म में हम बंडल में जब चार्ज को बाहर निकालते हैं तो वही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे एन क्या है मेरा, ये एन एक इंटीजर नंबर है, एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब ये चार्ज की प्रॉपर्टी देख लिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखे कि चार्ज पेयर में किस चीज में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव साइन जो डिफाइन किया था वो साइंटिस्ट कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन,
थर्ड पॉइंट मैंने क्या देखा था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, कि जो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसके लिए जो हमारा चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है ना। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखे थे कि चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी बॉडी में अगर मास है तो चार्ज भी होगा उसके साथ, ठीक है ना। इसके साथ क्या देखे थे कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो है हमारा वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास क्या है। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो देखते हैं चार्ज और मासेस के बीच में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि जब दो चार्जेस रखे हुए हैं दोनों के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बट मास के केस में क्या है कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जब हम पढ़ते हैं तब क्या देखते हैं कि दो मासेस के बीच में ओनली अट्रैक्टिव फील्ड लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बट मासेस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कैसा होता है, कंजर्व, बट मास इज नॉट कंजर्व, मास क्या है, कंजर्व नहीं है। ये क्या हो सकता है, मास के केस में क्या होगा कि मास बेसिकली कंजर्व तो होता नहीं है, बट मास को हम क्या कर सकते हैं कि इसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, E=mc² के फॉर्मूले से। ये बेसिकली अभी तो उतना समझ में नहीं आएगा, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली मास कंजर्व नहीं होता है, ठीक है ना। मास थोड़ा ना थोड़ा वैरी करता है, ठीक है, तो इसीलिए मास को कंजर्व नहीं माना जाता है, ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय E=mc² से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, इसको हम बंडल पैकेट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, बट मास क्वांटाइजेशन फॉलो करता है कि नहीं करता ये अब तक डिसाइडेड नहीं है, तो मास येट टू बी क्वांटाइज, अब तक ये डिसाइड हुआ है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जो अभी तक मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी के बेसिस पे बेस्ट कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड नन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो याद कीजिए, जब हम लेक्चर को शुरू किए थे तभी हम क्या देखे थे कि जो चार्ज है, जब हम चार्ज का स्टडी कर रहे थे तो तीन केस डिस्कस किए थे, कौन सा, एक चार्ज जब रेस्ट में हो, एक जब मूव कर रहा हो विथ सम वेलोसिटी, और तीसरा क्या था कि जब चार्ज एक्सीलरेटेड हो। तो रेस्ट कंडीशन में हमने क्या बोला था, क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही वो ओनली प्रोड्यूस करेगा, तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है फिर, ओनली मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा, जब वो मूव कर रहा हो, ठीक है ना। और बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो अभी मतलब ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी में बोथ कब करेगा, जब वो मूव कर रहा हो, ठीक है ना। तभी कंडीशन एक बनेगा कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तभी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। रेस्ट में क्या करेगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब वो मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और जब एक्सीलरेट कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यानी किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो दोनों चीज वो प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसका क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब देख क्वेश्चन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 कूलम्ब देन द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसी बॉडी का नेट चार्ज क्या है, -1 कूलम्ब है, ठीक है। तो याद कीजिए, जब हम किसी बॉडी का नेट चार्ज निगेटिव में आ जाता है तो इसका क्या मतलब था कि उस पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है, ठीक है ना, यानी उसके पास क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया,
ठीक है ना, क्या हो गया है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, और कितना का इलेक्ट्रॉन का जो नेट चार्ज कितना हो गया -1 कूलम। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, -1 कूलम जो मेरा नेट चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उस बॉडी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में आ गया है वो निकल आएगा। तो वन इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ कर सकते हैं। अगर एक जीरो यहाँ पे लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10⁻¹⁹, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻¹⁸, ठीक है ना। और 1.6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6.25, तो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड नंबर बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी हैज चार्ज ऑफ 10⁻¹⁰ कूलम देन बॉडी हैज। अब क्या है कि हमारे पास नेट चार्ज किसी बॉडी पे क्या है 10⁻¹⁰ कूलम, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, सॉरी अभी तो मुझे नहीं पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं पता लगा सकता हूँ कि ये यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। चार्ज तो मेरा किसमें है, पॉजिटिव में है, चार्ज मेरा किसमें है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देता हूँ, कितना है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, कितना आ गया। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/-1.6, तो पहले से ही है 1/-1.6 पहले से ही है, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻¹⁸, और ये अगर 10 इधर लेके आ जाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा -6.25 × 10⁻¹⁸, और ये 10⁻¹⁰ पहले से अवेलेबल है, तो इंटू 10⁻¹⁶ हो गया और 6.25। अब एक चीज बताइए, माइनस साइन पीछे आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि जिस भी बॉडी पे जो चार्ज आया है ये कैसा आया है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ 6.25, ठीक है ना, 6.25 इलेक्ट्रॉन। तो ये निगेटिव साइन जो आ रहा है, ये निगेटिव नंबर जो आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये निगेटिव साइन हम लेके कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अब जब यहाँ पे मुझे ये साइन दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि उस बॉडी से क्या हुआ है, चार्ज रिमूव हुआ है, यानी कि रिलीज हुआ है चार्ज, ठीक है ना। तो उसके पास क्या हो गया, इसका मतलब डिफिशियंसी हो गया उस बॉडी के पास कि इसका इलेक्ट्रॉन का, और कितने अमाउंट का डिफिशियंसी हो गया है 6.25 × 10⁻¹⁶ का, 6.25 × 10⁻¹⁶ का डिफिशियंसी हो गया, ठीक है। बेसिकली ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि डिफिशियंसी हो गया है उसके पास इस अमाउंट के इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडरिंग चार्ज ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नेगेटिव चार्ज इन 180 ग्राम वाटर इज 9.6363 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो बोल रहा है फाइंड एन, ठीक है ना। जरा याद कीजिए, वाटर का यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल मास दे रखा है कितना 180 ग्राम, ठीक है। अब जरा वो याद कीजिए कि वाटर H2O होता है, इसका मॉलिकुलर मास कितना होता था 18, ठीक है ना। और मॉलिकुलर मास को ही क्या बोलते थे कि हम ये 1 मोल का मास है, किसका मोल है, 1 मोल का मास है 18 ग्राम। अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 6.023 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो 6.023 × 23 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो गया 18 ग्राम, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। अब मेरे पास वेट कितना दे रखा है वाटर का 180 ग्राम, अगर इसको हम 18 ग्राम से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने हैं 10 मोल, कितने हैं 10 मोल। अगर एक मोल में 6.023 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो 10 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, 10 × 6.023 × 10⁻²³, ठीक है। तो 10 मोल में कितने अवेलेबल होंगे, 6.023 × 10⁻³
23 इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना, कितने 10 मोल्स में। अब हमारे पास क्या है कि 10 मोल में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब हमारे पास काम क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है H2O, इसमें हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स है 4 और ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6, ठीक है, तो कितना हो गया, सॉरी हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है 2 और ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है 8, ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है 10, तो एक मॉलिक्यूल में कितने 10, सॉरी एक मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल, सॉरी इतना क्या है मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे इनटू 10, ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल्स में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे इनटू 10, ठीक है ना, इनटू 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा इनटू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना, इनटू 10⁻¹⁹ कूलम। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके ऑलरेडी 9.6363 आएगा, 9.6363 आएगा इनटू, अब 10 वाले टर्म को करेक्ट कर लेते हैं, कितना है 1, 2, ठीक है ना, तो 10 का स्क्वायर इनटू 10⁻¹⁹ इनटू 10⁻²³, ठीक है ना, 10⁻¹⁹ इनटू 10⁻²³, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10⁻²² है और 10⁻¹⁹ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁵, 9.6363 इंटू 10⁻²² इंटू 10⁻¹⁹, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा 9.6363 इंटू 10⁻⁶, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 6, सॉरी 10⁻⁻⁶ नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी 10⁻⁻⁶ नहीं है, 10⁻⁷ ये n है, सॉरी ये n है, ठीक है ना, तो फाइंड n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी n की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर भी बेसिकली चार्ज के प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, और इसी पे बेस्ड ये एक आध दो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से शुरू करेंगे, कहाँ से, कूलम्स लॉ से, ठीक है ना, कि चार्ज के अकॉर्डिंग जो फोर्स ड्यू टू चार्ज फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, वो फोर्स कैसे एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है ना। बट इसके लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्लास 11th में जो हमने वेलोसिटी सॉरी फोर्स पढ़ रखा है, फोर्स का डायरेक्शन, और फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिखते थे, वेक्टर से, तो किसी भी दो फोर्स को ऐड करके या किसी भी दो वेक्टर को कैसे हम ऐड करते थे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वो सब फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।